दोस्तों फ्रेंड्स, 3D प्रिंटर के लिए बहुत ज़रूरी है उसके टूल्स। बिना टूल्स से हम 3D प्रिंटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इजी नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज जानेंगे कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे को 3D प्रिंटिंग करने में मदद करेंगे और उन्हें हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है कैलिपर। जी हाँ दोस्तों, कैलिपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक डिजिटल और एनालॉग फॉर्म में भी आता है, लेकिन डिजिटल काफ़ी अच्छा रहता है, हर एक पॉइंट्स का प्रॉपरली हमारे को पता रह जाता है। तो इसे यूज़ करना बहुत आसान है और ये नॉर्मली हमारे को 400 से 500 रुपए का मार्केट में सस्ते दाम में मिल जाता है। महंगा तो बहुत ज़्यादा महंगा भी काफ़ी सारे आते हैं, तो लगभग 7-8 इंच तक, 10 इंच तक जो है हम इसमें मिनिमम जो है हमारे को जो छोटा मॉडल मिलता है जिससे हम कोई भी चीज़ को नाप सकते हैं, और ये मिलीमीटर का माइक्रो मिलीमीटर तक जो है नापता है। और किसी भी चीज़ को हमें अगर एग्जैक्टली बनाना है या किसी चीज़ को बनाई हुई चीज़ को नापना है तो इससे हम इसको जो है, इसमें दो तरह के टूल होते हैं। एक होता है कि इनसाइडर जो इसके ऊपरी तरफ होता है, जो कि अंदर की साइड की जो है इंसर्ट वाली जो चीज़ है उसको नापने के काम आता है, और एक आउटर जो एरिया होता है आउटर को नापने के काम आता है। तो हमें काफ़ी सारे जो हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमें काम करने पड़ते हैं, तो उनको नापनवाई करने के लिए ये प्रॉपरली काम करता है, जिससे हम सही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो प्रॉपरली फिटिंग दे हमारे को। प्रिंट रिमूवल टूल। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं तो जब 3D प्रिंटर बेड के ऊपर जो चिपका होता है उसे वहाँ से निकालना कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं जो साथ में इसकी कुल्हाड़ी जैसी, क्या बोलते हैं इसको, चोरसी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, मतलब जो इसका टूल है वो हमें मिलता है, जिसका नाम हम इस तरह से ले सकते हैं। और ये टूल जो है काफ़ी मददगार होता है, ये इसमें स्क्रैच नहीं लगते जो बेड के ऊपर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कोई नोज़ प्लायर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई इस तरह से 10% को ही प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो नॉर्मली यूज़ करते हैं कॉलिन, तो ये नॉर्मली बहुत इजी रहता है, इसमें कोई ऐसा स्पिरिट वाला या फिर जो हमारे को नुकसान दे ऐसा कोई मटेरियल नहीं है इसमें। ये इजीली हम इसे बेड जो है हम साफ़ करते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट हम बेड के ऊपर चिपकाते हैं वो हम अब आगे बात करेंगे कभी क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी अभी हम बात करेंगे, तो उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारे टूल जो हम यूज़ करते हैं बेड को और बेड से सामान निकालने के लिए, अगर बेड पे चिपका रहता है तो, क्योंकि प्लास्टिक है जब हम प्रिंट करेंगे तो थोड़ी देर के लिए चिपके तो रहेगा ही, या फिर कई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो, मतलब कोई ऐसे मटेरियल होते हैं जो ठंडा होने के बाद अपने आप ही बेड से घुट जाते हैं। तो इस तरह के टूल हम यूज़ करते हैं बेड से रिमूव करने के लिए 3D ऑब्जेक्ट को। और बात की जाए सबसे अच्छी चीज़ है भी, अगर बेड हम यूज़ करना चाहते हैं तो बेड हम चेंज कर देते हैं उसमें PI शीट, ये भी एक टूल है। बेड जो 3D बेड है वो हम PEI शीट वाला हम बना लेते हैं, जिससे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से उसमें से चिपक भी जाता है और आसानी से उसे निकल भी जाता है। तो हमने कैसे ये बेड बनाया था खुद से जुगाड़ बन के, कभी हम बताएंगे किसी वीडियो में। तो इस तरह से भी जो है बेड अगर हमारा रिमूवल होगा तो उससे जो है ऑब्जेक्ट आराम से निकल जाएगा, चिपका नहीं रहेगा। और हम गम यूज़ करते हैं फेविस्टिक टाइप या फिर ये थोड़ी लोकल कंपनी की है, ये इजीली रिमूव होती है, फेविस्टिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम ये नॉर्मल ग्लू जो है यूज़ करते हैं। और कभी कभी हम जो है टूल्स के मामले में देखे हैं तो हम अगर ऑब्जेक्ट कई बार हमारा लाइट चल जाती है या दोबारा से सही ढंग से कहीं से उड़ जाता है ऑब्जेक्ट, तो हम वहाँ पे ग्लू गन यूज़ करते हैं जिससे जो है ऑब्जेक्ट वहाँ पे सही ढंग से चिपक जाता है। तो ये सारे टूल्स हैं जो हम 3D ऑब्जेक्ट को हम निकालने और वहाँ पे फिक्स करने के यूज़ में लेते हैं। और क्लीनिंग के लिए हम, या फिर नॉर्मली कोरोना में बहुत सारा यूज़ किया हमने, तो हम यूज़ कर सकते हैं कॉलिन और या फिर कोई अल्कोहलिक चीज़ या फिर सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये काफ़ी सही रहता है, जल्दी जो है वाश हो जाता है और चीज़ सही रहती है। मतलब कॉलिन मेरे हिसाब से सही है, बहुत ज़्यादा इजी होता है, थोड़ा इसमें वाटर ज़्यादा रहता है, बहुत इजीली जो है वॉश कर देता है। तो दूसरी बात करेंगे अब नोज़ल क्लीनिंग की। नोज़ल क्लीनिंग के लिए हमारे पास एक सुई मिल जाती है लंबी सी साथ में, और वो अलग से भी सुई हम डाल के उसमें क्लीनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ड्रिल बिट आते हैं स्पेशल परफेक्ट साइज़ के, उससे हम पूरा ब्रास का, मेटल का, कॉपर का, जैसा भी आपका नोज़ल है उसको हम क्लीन कर सकते हैं उसमें, उस होल में डाल के उस चीज़ को। अदरवाइज़ हम प्रेशराइज़ कर सकते हैं पीछे फिलामेंट को, जो प्रेशराइज़ फिलामेंट होगा तो वो एकदम से निकलेगा, तो लेकिन उसके लिए नोज़ल को पहले हीट करना पड़ेगा ज़्यादा टेम्परेचर पे। अगर ज़्यादा फिलामेंट डालना है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे हमें नोज़ल को हम डाल के जो है प्रॉपरली हम उसमें खाली कर सकते हैं। ज़्यादा देर के लिए हम नोज़ल को गर्म करके रख के भी हम थोड़ा सा उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम एक ब्रश का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, अब प्रिंटर के साइड में जो है एक ब्रश छोटा सा लगा के भी हम उसको, एक प्रिंटर की कमांड है जिसमें हम उसे वहाँ तक भेज के हाथ से भी उसे हम वहाँ तक
यूज़ कर सकते हैं उस ब्रश से, जो है नोज़ल क्लीन हो जाएगी। अदरवाइज ब्रश जो है मैनुअली भी उसके नोज़ल पे लगा के हम क्लीनिंग कर सकते हैं। नोज़ल चमक जाती है भाई, ये ब्रास के ब्रश से जो है नोज़ल तो चमक जाती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से साफ़ होता है। और इस तरह से जो है हमारी मेंटेनेंस रहती है मतलब प्रिंटर की। और जो फिलामेंट होता है उसे मॉइस्चर से बचाना पड़ता है ताकि हमारा प्रिंट आउट जो है प्रिंट जो है बहुत अच्छे प्रॉपरली गुड क्वालिटी के बने। तो हमें एक बॉक्स लेना पड़ता है एयरटाइट, जिसमें हम प्रॉपरली जो फिलामेंट निकलेगा उसमें हम फोम लगा के उसमें मिट्टी ना जाए। और इस तरह से प्रॉपरली हमने एक बॉक्स लिया था जिसमें 6-7 रोल इकट्ठे लग जाते हैं। और जब हमें जिस उसके होल्स के ऊपर जो हमने प्रॉपरली कभी पाइप भी लगाई थी, लेकिन पाइप थोड़ी हमारे को गलत मिली जिसमें जो है टाइट रहता था, तो हमने डायरेक्ट कर दिया उसको, नज़दीक कर दिया बिल्कुल ही, और अलाइनमेंट प्रॉपरली कर देते हैं। और इस तरह से जो है हमारा फिलामेंट जो है बहुत अच्छा रहता है, सेफ रहता है, उसमें काफ़ी सारे जो है मॉइस्चर अब्जॉर्बर जो उसके पैकेट मिलते हैं वो सब हमने उसके अंदर बिछा के रखे ताकि मॉइस्चर ना रहे। और हर एक टूल का अपना अपना फ़ायदा है, प्रॉपरली हर एक जगह पर इसे यूज़ करना पड़ता है, तभी जो हमारा ये 3D प्रिंटर सही ढंग से 3D प्रिंटिंग काम करती है प्रॉपरली। कुछ स्पेशल ब्रांड्स हैं जिन कंपनी के, वो यहाँ पे आप टूल्स दे सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जो कि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रही है 3D प्रिंटर के लिए। गम बहुत ज़रूरी है 3D प्रिंटिंग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिलहाल जो ऑब्जेक्ट है उसे निकालने के लिए हमारे को कॉइलिंग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर हमें ऑब्जेक्ट को चिपकाना है तो उसके लिए हमारे को ग्लूगन कभी कभी यूज़ करनी पड़ रही है, गम स्टिक 5 स्टिक हमें यूज़ करनी पड़ रही है 3D प्रिंटर में ऑब्जेक्ट को चिपकाने के लिए। और जो हमारा एक 3D बेड है मतलब 3D प्रिंटर का बेड है, वो अगर हम खुद से बनाए ना PEI शीट यूज़ करें तो बहुत ज़बरदस्त प्रिंट आउट होते हैं भाई। चाहे हम PETG यूज़ करें, चाहे हम PLA यूज़ करें, अगर हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट यूज़ करने जैसे ABS नाइलॉन वगैरह, तो हमें फिर ग्लास बेड अच्छा रहता है। RGB फैन मिल जाते हैं, लाइटें हम लगा सकते हैं प्रिंटर के ऊपर जिससे जो है हमारे को काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। कैमरा उसके साथ अटैच कर सकते हैं। टूल्स की बात की जाए तो हम उसमें ऑक्टो प्रिंट ऐड कर सकते हैं, मतलब एक रेस्पबेरी पाई के अंदर जो है हम ऑक्टो प्रिंट एक टूल आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे हम इंस्टॉल करके उसके ऊपर कैमरा लगा के और उसी के अंदर जो है फाइलें भेज के प्रॉपरली हम प्रिंट आउट को देख सकते हैं। कहीं से स्टॉप पॉज प्रिंट सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं फेल ओवर, और रिमोटली ऑक्टो एनीवेयर कहीं पे भी उसे वॉच करना हो रिमोटली हमारा प्रिंटर, अगर हमने वैसे तो प्रिंटर वाईफाई पे चलता है तो लोकल अगर हमने चलाना है तो ऑक्टो प्रिंट का हम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ऑक्टो एनीवेयर उसमें ऐड ऑन प्लगइन बहुत सारे मिलते हैं, तो बहुत सारे आते हैं। हम ऑक्टो प्रिंट के ऊपर एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अगर बना दी है तो उसकी वीडियो आई बटन पे आपको दिख रही होगी। और टूल की बात की जाए तो हमें अपग्रेड की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे जैसे नीचे के स्प्रिंग क्या क्या अपग्रेड करने हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से ये टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी 3D प्रिंटिंग बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी में बने। आप क्या क्या चीज़ यूज़ करें आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमें आशा है आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कौन कौन से टूल जो है 3D प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी हैं और क्या क्या फ़ायदा जो है देते हैं और किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। और अगर आपको लगता है भी कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है, सजेशन है 3D प्रिंटर से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पे यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये टोटली चैनल रहने वाला है 3D प्रिंटर से रिलेटेड, और इतना बताते हैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।